हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जूनियर साइंटिस्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे एक नया माइक्रोस्कोप का अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप का पार्सल। इसके अंदर है 100x और 1000x का अच्छा सा लाइट माइक्रोस्कोप। तो हमने ये हरियाणा से खरीदा है। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलो इस पार्सल को ओपन करते। और मेरे साथ है मेरा फ्रेंड जय। तो यहाँ हमारे पास कुछ सीजर्स है, काफी भारी है। इसका टोटल वेट ही है 5.50 kg। ये रहा हमारा इनवॉइस, जिसके ऊपर हमारे सारे बैंक डिटेल्स और प्राइजेस है। और अब हम इसे काटेंगे। काफी ब्रांड न्यू लगता है। और फाइनली ये स्टायरोफोम के अंदर है हमारा ये नया माइक्रोस्कोप। और ये रहा हमारा दूसरा इनवॉइस। तो ये बॉक्सेस हम रखते हैं साइड पे और अब हम इसे ओपन करेंगे। बॉक्स में कुछ शायद गड़बड़ लग रही है। यहाँ से पूरा बॉक्स ओपन हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पर भी ये इसका पूरा स्टायरोफोम कट हो चुका है ऊपर से। OMG, ये रहा हमारा 1000x का नया माइक्रोस्कोप। सो फ्रेंड्स, देर किस बात की, चलो इसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने हमारा माइक्रोस्कोप बॉक्स से बाहर निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा माइक्रोस्कोप। तो ये इसकी प्लास्टिक बैग है। देखो हमें इसके साथ क्या क्या मिला है। तो पहले नीचे से ऊपर तक आते हैं। ये इसका है 26 वाट का स्विच पावर सप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप है। यहाँ पे उसकी लाइट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी लाइट है। और ये जो स्विच है वो लाइट को कम और ज्यादा करने के लिए होता है। तो अब हम इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंडेंसर है जो लाइट को कंडेंस करके फोकस करता है हमारे स्टेज के ऊपर। तो अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि ये मैकेनिकल स्टेज है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मैकेनिकल स्टेज है। आप स्टेज को यहां से लेफ्ट ले सकते हैं, राइट भी ले सकते हो। देखो यहां से, देखो स्टेज बाहर आ रही है। और ये चाहो तो आप आगे और पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फाइन फोकसर है और कुछ कोर्स फोकसर है। अब हम आते हैं इसके नोज पीस के ऊपर। जो यहाँ पे जो पीसेस है लगे हुए, उनके नोज पीसेस कहते हैं। तो हमें इसके साथ चार नोज पीसेस मिलते हैं। एक है 100x का, दूसरा है 40x, 10x और 60x। ऐसे कुल मिला के हमें चार नोज पीसेस मिलते हैं। और यदि ये क्या बाइनोक्युलर माइक्रोस्कोप है, तो फ्रेंड सिंपली सी हमने वो स्कूल में देखा होगा, जो मोनोक्युलर माइक्रोस्कोप होता है, हम उसके अंदर से सिर्फ एक आंख से ही देख सकते हैं। पर इसमें ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली ये जो बाइनोक्युलर हेड है वो हमें लेना है और इसके अंदर ऐसे फिट करना है। फ्रेंड्स, ये परफेक्टली फिट होना चाहिए। अगर आपने जरा सा भी इसको ढीला छोड़ दिया तो ये आपके ऊपर घिर सकता है। और हमें इसके साथ अच्छे प्लॉजल क्वालिटी के दो आईपीसेस मिले। ये दो भी 10x के आईपीसेस है। तो फ्रेंड्स, मैं वो आपको भी दिखाता हूं कैसे है जो आईपीसेस। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला आईपीस। तो पहले को हम पहले नॉब में इजेक्ट कर देंगे और मैं दूसरा खोलने जा रहा हूं।
ये देखो, ये रहा उसका दूसरा, और ये 10x का आप देख सकते हैं, 10x का ए वाइल्ड आईपीस है, वाइल्ड फील्ड आईपीस, जो हमें अच्छी तरह का फील्ड देता है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने माइक्रोस्कोप तो सेट कर लिया, और ये जो बाइनोक्यूलर का हेड है वो 360 रोटेट कर सकता है। देखो, मैंने इस हेड को आपकी तरफ रोटेट कर दिया, अगर वहां पे कोई पार्टिसिपेंट है तो वो यहां से भी देख सकता है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा सिंपली सी पावर स्विच ऑन है, और ये रहा हमारा दूसरा सब कंट्रोल पावर स्विच, और ये जो हमारा पावर स्विच है वो हम इसके अंदर लगा देंगे। सिंपली से मैंने लगा दिया, और देखो मैं यहां से उसे चालू करता हूँ, मैंने चालू कर दिया, और यहाँ पे ऑन ऑफ का जो स्विच दिया है कंपनी ने वो मैं उसे ऑन करता हूँ। देखो यहाँ पे लाइट जल गई, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको लाइट दिख रही है। और जैसे मैं इस नॉब को फुल करूंगा और लाइट बहुत ब्राइट होती जाएगी, और देखो मैं लाइट को काफी डिम भी कर सकता हूँ, अगर निग्लिजिबल भी मैं कर सकता हूँ लाइट को। देखो मैंने अब लाइट को फुल फोकस कर दिया। अब मैं आपको नोज पीस की सेटिंग रख दिखाऊंगा। अब यहाँ पे कौन सा है, देखो ये मैंने नॉब को घुमा दिया और ये 40x का लग गया। तो फ्रेंड, सिंपली सी ये हमारा धीर इंडिया का अच्छा माइक्रोस्कोप है, इसकी कुल मिला के प्राइस 7,000 रुपीज है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।